एक वीडियो बनाने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केई किचन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ चिकन की बहुत मजेदार सी रेसिपी शेयर करूंगी। आज हम बनाएंगे अनारी चिकन। अनारी चिकन को हम एज अ स्टार्टर भी यूज कर सकते हैं, उसको नान, चपाती, राइस किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे डिफरेंट सी न्यू सी रेसिपी। चिकन अनारी बनाने के लिए ये देखिए 500 ग्राम मैंने चिकन लिया है। इसमें मैं ये आधा कटोरी दही ऐड कर दूंगी। थिक दही है ये, हम कर्ड मैंने इसको बनाया हुआ है। थोड़ा पानी इसका निकाल कर ये आधा नींबू का रस इसमें डाल देंगे। एक चम्मच ये जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे। ड्राई स्पाइसेस ऐड करेंगे। आधा छोटा चम्मच मैंने नमक ऐड किया। 1/4 टीस्पून जितनी हल्दी, टर्मरिक पाउडर, और इसमें हम ऐड करेंगे धनिया पाउडर आधा छोटा चम्मच, थोड़ी सी कसूरी मेथी, कश्मीरी लाल मिर्च है ये आधा छोटा चम्मच। इस रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट ये है अनार दाना, एक छोटा चम्मच ये ऐड कर देंगे। और इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चिकन को 15-20 मिनट या आधे घंटे तक मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे। एक पैन में 2 चम्मच मैंने ऑयल ऐड किया और 1 छोटा चम्मच मैंने बटर का ऐड किया। इसमें हम डाल देंगे कुछ खड़े मसाले, 1 तेज पत्ता, दालचीनी की स्टिक और ये छोटी इलायची। आधा छोटा चम्मच जीरे का ऐड किया, हल्का कुक होने देंगे इसको हम। ये देखिए, ये मैंने फ्रेश लहसुन कट करके रखा है 5-6 कलियां, बारीक बारीक। ऐसे ही अदरक, हरी मिर्च और एक बड़े साइज का प्याज है। इसमें अब हम डाल देंगे लहसुन। लहसुन हल्का सा ब्राउन हो जाएगा फिर हम इसमें अनियन डाल देंगे। अच्छा ब्राउन होने तक हमने इसको कुक करना है। प्याज ब्राउन हो गए हैं, ये अदरक भी डाल देंगे इसमें और जो हमने चिकन मैरिनेट किया था वो भी इसमें ऐड कर देंगे। फ्लेम को हम हाई कर देंगे और 2 मिनट के लिए बस स्पून चलाते हुए हम इसको पीसेस को उलट पलट करेंगे। ये देखिए, 2 मिनट मैंने इसको हाई फ्लेम पर उलट पलट करते हुए कुक किया। अब हम क्या करेंगे, इसको फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर लेंगे और इसको ढक देंगे 15 से 20 मिनट के लिए ताकि चिकन अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, कुक हो जाए। और फ्रेंड्स, इसमें हम पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। ये जो दही का पानी है और चिकन के जो जूसेस रिलीज होंगे उसी में ये पकेगा। पंद्रह बीस मिनट हो चुके हैं। वाव, बहुत ही बढ़िया फ्रेग्रेंस आ रही है। ये चिकन अपने ही जूसेस में अच्छे से पक चुका है, बस बिल्कुल रेडी है। अब मैं आपको ये सर्व करके दिखाती हूँ। डिश में सर्व करने के बाद इस पर हम डाल देंगे हरा धनिया और ये मेरे पास है फ्रेश अनार। इससे बहुत ही बढ़िया क्रंच आएगा हमारी सब्जी में। तो बिल्कुल रेडी है फ्रेंड्स, हमारा अनारी चिकन बनकर बहुत ही डिफरेंट और यमी रेसिपी है। इसको हम लच्छा परांठा, तंदूरी नान किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। न्यू सी रेसिपी है, डिफरेंट सी, तो जरूर से ट्राई कीजिए और कमेंट्स में भी जरूर बताइए कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी।
पसंद आने पर लाइक शेयर भी कीजिए और मेरी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। नेक्स्ट एक न्यू रेसिपी के साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।